डियर स्टूडेंट्स आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आर एन एस थेरी आर एन एस थेरी के अनुसार एसिड सब्सटेंस जो होते हैं वो एच प्लस आयंस जो कि पानी में मिलाने से देते हैं वो जो सब्सटेंस होते हैं उसको एसिड कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एच सी एल जो है जब आप पानी में मिलाते हो तो एच प्लस आयंस और सी एल माइनस आयांश य स्टू में आपको मिलेंगे Yes, यहाँ पर आप ये श्योर को एसिड कहते हैं क्योंकि गिव्स द प्लस इन इट्स एक्वेज सोल्यूशन का अर्थ होता है कि जब वो पानी में आप डालेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा उसे आप कहेंगे एक्विज सॉल्यूशन ऑफ दैट एसिड उसी तरह बेज जो होता है तो जब आप वाटर में मिलाएंगे तो वो आपको ओ एच माइनस आयंस देंगे इसके कुछ उदाहरण है के और एनिय जब आप पानी में मिलाएंगे तो वो पानी में ओ एच माइनस आयंस देंगे उस सब्सटेंस को आप कहते हैं बेस यह जो थीरी है वो आर एन एस थेरी है इस थेरी के अनुसार हमने यह देखा है कि एसिड वो सब्सटेंस है वो पानी में एच प्लस आयस देगा और बेस ओ एच माइनस आयस देगा सो थैंक यू वेरी मच आपने